हेलो दोस्तों टेस्टबुक सुपर आयस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में हम मिथिला के मखानों के बारे में जान के लेंगे क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनको जीआई टैग दे दिया है तो विल फर्स्ट नो व्हाट आर आरज मिथिला के मखाने उसके बाद हम जान के लेंगे कि जी टैग देता कौन है और जी टैग देने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस होता है राइट सो रिसेंटली ये मिथिला के मखाने न्यूज़ में इसके लिए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको जीआई टैग दे दिया है राइट द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अवॉर्डेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू मिथिला मखाना अब ये क्यों किया है क्योंकि इससे ये करने से ये करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो मैक्सिमम प्राइस मिले ग्रोवर्स को जो लोग इन मखानों को उगाते हैं जो उसकी द पीपल हु ग्रो दीज शुड गेट द मैक्सिमम प्राइस फॉर प्रोड्यूस अब ये प्राइस कैसे मिलती है वो आगे वाले में देखेंगे राइट right? पहले जान के लेते हैं कि मिथिला के मखाने होते क्या है राइट right? सो so, ये मखाने एक स्पेशल टाइप के नट है दे आर एन एक्वाटिक फॉक्स नट विच इज कल्टीवेटेड इन बिहार एंड नेपाल तो इंडिया में दे आर कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन द स्टेट ऑफ बिहार बट बिहार के अलावा नेपाल में भी पाए जाते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रसर्स्पेक्टिव कि कहाँ कहाँ इसकी ये वॉट आर प्लेसेस वेर दीज मखानाज और ग्रोन इसके अलावा ये जो मखाने हैं इन ये बहुत ही फेमस है द इन द कोजागरा फेस्टिवल कोजागरा फेस्टिवल मैथिली ब्राह्मिंस के में सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली फॉर द पीपल हु आर न्यूली मैरिड जिन जिन लोगों की नई नई शादी होती है उनके लिए ये कोजागरा फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में इस मखानों का बहुत उपयोग किया जाता है इसके अलावा दीज मखान आर वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर इनके इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अलावा जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आपका कैल्शियम मैग्नीशियम आयन या फॉस्फरस इनकी आ, ये भी इन मखानों में बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं देयरफॉर दे आर हेल्दी एज वेल ओके सो दिस वाज अबाउट मखानास मखाना क्यों फेमस है अब जान के लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है व्हाट इज अ जीआई टैग दोस्तों हर एरिया में या किसी भी जोग्राफिकल एरिया में कुछ स्पेशल वराइटी ऑफ क्रॉप इज ग्रोन राइट और दैट पर्टिकुलर एरिया इज वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स राइट भले ही फिर वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो या भले ही फिर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो राइट right? जैसे शाही लीची हो गया राइट right? तो शाही लीची इज ऑल्सो वेरी फेमस इन बिहार तो दे इट इज गिविन ए जी आई टैग इन बिहार क्योंकि वो एक ट्रेडमार्क है कि शाही लीची अगर आपको खानी है तो वो बिहार में ही आपको ओरिजिनल मिलती है इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग्स तो मधुबनी पेंटिंग्स अगर आपको आ, अगर आपको देखती है व्हाट इज द ओरिजिनल मधुबनी आर्ट तो इट इज फाउंड ओनली इन बिहार तो जी टैग इसके इन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से आते हो और उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो उस पर्टिकुलर एरिया से ही मिलती हो राइट right? तो इसके लिए जी टैग दिया जाता है सो जी टैग इज यूज टू जिनके कुछ स्पेशल होते हैं और इस special characteristics क्यों होते है? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स एक डेफिनाइट ज्योग्राफिकल टेरिटरी से आते हैं बिकॉज दीज प्रोडक्ट कम फ्रॉम डेफिनाइट जोग्राफिकल टेरिटरी फॉर एक्साम्पल बासमती राइस इज ऑल्सो गिविन जी आई टैग राइट ओके सो यह होता है जी आई टैग अब जीआई टैग टैग कौन है अंडर अंडर एक्ट इज इज इट तो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइन नाइन ये एक्ट है जिसके तहत इंडिया में प्रोडक्ट्स को जी आई टैक दिया जाता है अब जी आर टैक सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नहीं दिया जाता बल्कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी दिया जाता है राइट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आपके हैंडीक्राफ्ट आ सकते हैं आपके इंडस्ट्रियल गुड्स आ सकते हैं ऑल दीज कैन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ योर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कैन बी योर डिंडीगुल लॉक्स राइट विच हैव गॉट ए जी आई टैग फ्रॉम तमिलनाडु तो ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अलावा अगर मैं फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो तिरुपति लड्डू को भी जी आई टैग मिल गया है फ्रॉम आंध्र प्रदेश राइट सो जी आई टैक्स कैन भी गिवन टू नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और दे कैन बी गिवन टू योर हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड्स एज वेल नाउ जीआई टैग देता कौन है जीआई टैग देते हैं आपके जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो काम करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो इंटरन काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जब भी, भी किसी भी प्रोडक्ट को एक जी टैग दिया जाता है तब उस जी आई टैग की वैलिडिटी 10 सालों के लिए होती है विच मीन्स द जी आई टैग इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स और 10 साल के बाद अगर आपको उसको रिन्यू करना है तो आप उसको वापस रिन्यू भी कर सकते हो अगले 10 सालों के लिए राइट सो दिस इज एंटायरली अबाउट जी आई टैक ये दिस इज अबाउट वॉट इज जी आई टैक इसको कौन इशू करता है और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है अब हम जान जान के लेंगे कि जी आई टैक का सिग्निफिकेंस क्या होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग अ जी आई टैक टू एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट राइट तो पहली चीज तो जब भी भी किसी भी प्रोडक्ट को जी आई टैक दिया जाता है तब तब हमें ये श्योरिटी होती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओरिजिनल है और ऑथेंटिक है राइट right? सो so, पहली चीज है कि जब किसी भी कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलेगा उसे पता रहेगा कि यार ये प्रोडक्ट जो है इट इज ओरिजिनल एंड इट इज एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट राइट सो कस्टमर्स हैव श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी कस्टमर्स आर श्योर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इसके अलावा जब भी, भी किसी भी प्रोडक्ट को जी टैग दिया जाता है उस प्रोडक्ट को एक रिकोगशन मिल जाता है राइट लीस्ट द रिकोगशन ऑफ प्रोडक्ट जैसे अभी मखानों को जी आर मिल गया तो पूरे भारत में लोगों को पता चला अरे देर इज समथिंग कॉलेज बिहार के मखान या मैथिली के मखाने राइट सो दैट इज़ वन थिंग एक रिकोगनीशन मिल जाता है और ये रिकोग्निशन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिल जाता है जिससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है इट लीड्स टू बूस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स तो लोकल मार्केट में तो उसकी डिमांड बढ़ ही जाती है बल्कि पर इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं अब बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग जो लोग या जो आ, एरिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है वहां के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी बिकॉज उनके उनका जो प्रोडक्शन है उसके उसको उसके उसको डिमांड बहुत आ गया है राइट द डिमांड हैज़ इंक्रीज तो देफो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल ऑल्सो इंक्रीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब भी किसी प्रोडक्ट को जी टैग दिया जाता है उस प्रोडक्ट को एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है नॉट इज लीगल प्रोटेक्शन लीगल प्रोटेक्शन मतलब कोई भी अन्य इंसान या किसी भी कोई भी दूसरे एरिया के लोग उस नाम से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं सो दैट नेम हैज गॉट द जी आई टैग राइट सो फॉर एग्जाम्पल डिंडी गुल्स राइट तो कर्नाटका में कोई है वो डिंडीगुल लॉक्स के नाम के नीचे नॉट डू अदरवाइज विल बी इलीगल राइट फॉर एग्जाम्पल मैसूर सिल्क जो कर्नाटका में जिसको जी आई टैग मिला है तो उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिला है कि मैसूर सिल्क इज प्रोड्यूस इन द मैसूर रीजन ऑफ कर्नाटका ओनली राइट सो एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी या सॉरी जिससे कि उसका अनऑथराइज यूज जो है वो प्रिवेंट हो जाता है राइट सो दिस अबाउट द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग जी आई टैग एंड इन टूडे सेशन वी हैव लर्न अबाउट मैथिली के मखाने उसका उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो कौन से रीजन में ग्रो किए जाते हैं जी आई टैक क्या होता है जी आई टैक डेटा कौन है जी आई टैक इतने सालों के लिए वैलिड होता है और जी आई टैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है राइट सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन. बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू टेल यू समबाउट सुपर कोचिंग सो दिस इज दिस इनिशिएटिव बाय टेक्स बुक जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट आपको स्टडी नोट्स और आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाते हैं इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है और आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं हमारे टेस्ट बुक के एक्सपर्ट्स के साथ एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट जस्ट रूपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट इूज माई कुपन कोड आकाश ट्वेंटी तो आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिलेगा मतलब आपको ये सारी चीजें सिर्फ दो हजार रुपए में अवेलेबल हो जाएगी राइट सो दैट वॉज इट फॉर टुडे सेशन बिफोर गोइंग प्लीज हेट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रम आर चैनल थैंक यू सो मच